तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कर गाइज, जो कप्पा डिजाइन है उसमें हो गया नुकसान, तो जो उसका एक्सेल है ना वो टूट गया है, तो उसका काम हो रहा है आज। तो इस ब्लॉग में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, और कहाँ नुकसान हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलते हैं डीजे के पास में। काफ़ी नुकसान हुआ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे ना एक्सेल टूट गया इसका, तो वो भी यहाँ पे बोल रहे हैं और नया एक्सेल लगेगा इसका, तो आप बने रहना ब्लॉग में, बताता हूँ। वो सामने भी यहाँ से टूट गया ही आगे, ये दोनों टायर हैं ऐसे चौड़े हो गए। खोल दिए दोनों टायर, तो गाइस जो पिकअप है ना उसके दोनों टायर खोल दिए, और अब एक्सेल चेंज होएगा इसका, तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखो, ये वाला टायर भी खोल दिया और उधर वाला टायर भी खोल दिया, देखो घूम करके दिखा दूँ। तो गाइस जो पिकअप के इधर वाले टायर को उतार दिया, ये पड़ा नट बोल्ट इधर लगा दिया जेक, और जो कबाने का जो पत्ता बोलते हैं ये पट्टा भी टूट गया, देखो ये भी नहीं डलेगा। उधर वाला भी टायर उतार दिया, और अभी काफ़ी काम करना बाकी, और पता नहीं क्या क्या टूटा हुआ इसका, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है गब्बर डीजे का काम, जो एक्सेल का जो भी काम है वो यहाँ पर होएगा, सारा जनरल काम इसका। और महेंद्र जी भी कहीं गए हुए हैं, थोड़ी देर में अंदर बैठ जाता हूँ इसके। तो गाइस जो गब्बर डीजे उसका अंदर का लुक कुछ इस तरह है, ये देखो सीटें वगैरह, महेंद्र जी ने अच्छा काम करा रखा अंदर से, और ये नीचे भी अच्छा बचा रहेगा, क्या बोलते हैं स्कारफिट वगैरह, और ये चलता नहीं है, मैं इसको ख़राब हो रखा है, इससे देखना आवाज़ आएगी। बंद कर रखा चाबी यार, अभी महेंद्र जी आ गए क्या? नहीं। तो गाइस यार जो पिकअप का काम हो रहा है, तब तक हम थोड़ी देर अंदर बैठे रहते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में जब पूरा खुल जाएगा एक्सेल तो आपको दिखाएंगे। बने रहना व्लॉग में, सब्सक्राइब नहीं करा अभी भी सब्सक्राइब कर लो, अभी भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब तो कर ही लो, आपके लिए तो कर रहे हैं यार, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि आपको सारी जानकारी दे ऐसा कुछ, तो आप लोगों के लिए करते हैं, इतना तो कुछ बनता है आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं और लाइक मांग रहे हैं, बस कर दो यार प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, कर दो। लो गाइस इधर से पूरा खोल दिया, ये देखो इसमें देखते इधर दिखता क्या, नहीं दिखता यार, इसमें खोल दिया पूरा इसको। तो गाइस जिसको खोल दिया पूरी तरीके से इधर से और उधर से दोनों तरफ से, और इसमें जो डंडा आता है ना वो पाइप जैसा जिसमें दोनों टायर लगे हुए थे उसमें था बैंड, तो उसका काम कराने लगी भैया, वो वापस आएगा उसके बाद में लगेगा, और भी वो नुकसान है छोटा मोटा पत्तों में, तो सारा काम होएगा जनरल जो भी काम है इसका, तो वो जा रहे हैं बताऊँ। भैया कहाँ गए देखना, रोड को उस पार उस वाली पिकअप के अंदर लेके जा रहे हैं उस डंडे को, और उसको बैंड है तो बैंड निकला के लेके आएगी। तो गाइस आज जनरेटर की भी सर्विस होगी, और छोटा मोटा जो जनरल काम है वो होगा इसका जनरेटर का, आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाला डंडा बैंड होता है ना? हाँ जी हाँ जी। नहीं लेके आ गई? नहीं लगे तो पूरा। तो गाइस यार जो एक्सेल के साथ साथ जो जनरेटर की सर्विस है वो भी हो रही है, जनरेटर को खोल रखा है इसकी सर्विस होगी, और जो जनरल काम है जनरेटर का वो भी होएगा पूरा आज। ये देखो जनरेटर को यहाँ से खोल दिया, और इसमें इसको भी खोल दिया गया। तो गाइस काम हो गया गाड़ी का, अब ये टायर फिटिंग हो रहा है वापस इधर वाला, उधर वाला भी थोड़ा सा बाकी है, इधर जनरेटर का काम भी हो रहा है, और इधर भी नीचे काम हो रहा है अभी, और उधर वाला टायर कस रहे वापस, ये टायर फिट कर देगा फिर उसको अपने टायर को वापस कस देंगे, और यहाँ पर खड़ी हमारी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, हो रहा है काम, बने रहना व्लॉग में, अभी थोड़ा सा काम बाकी है वो भी दिखाएगा आपको। और बारिश जैसा मौसम आ रहा है, ये देखो लग रहा है बारिश आएगी, और इधर से दिखाते हैं आपको, इधर भी हो रहा है काम, इधर वाला टायर अभी फिट नहीं करा है, इधर वाला टायर भी फिट करेगा अभी, ये देखो अभी नहीं करा इधर का टायर फिट। तो भाई एक्सेल का काम तो हो गया इधर से, और जनरेटर का थोड़ा सा बाकी तो वो भी हो रहा है, इधर भी टायर लगा दिया, हो गया इधर का टायर भी फिट। तो गाइस यार जो एक्सेल का काम था वो हो गया, और जनरेटर का काम था वो भी हो गया, और गाड़ी हो गई अभी कंप्लीट, जनरेटर का काम भी हो गया, इधर से भी कंप्लीट हो गया पूरा काम, नीचे से जो भी लगाना था सब कुछ नया हो गया एकदम, और अब हम जाने वाले यहाँ से। तो गाइस जो काम था गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, अब छोटा मोटा थोड़ा सा और काम है, तो उस जगह पर जा रहे हैं दूसरे मिस्त्री के पास में, तो वहाँ जाकर करवाएंगे इसका पूरा काम। तो गाइस ये न्यू व्हील के लिए, और मिरर वगैरह और छोटा मोटा सामान है, ये भी नहीं लगेगा गाड़ी में। तो यार यहाँ से भरवाएंगे जनरेटर में और पिकअप में डीजल, जनरेटर में भी डीजल भरवाएगा यहाँ से, और पिकअप में भी डलवाएंगे। तो गाइस जो काज ऊपर करने के लोड टूट गया था ये भी नया लगवाया, और स्पीकर ख़राब हो गया, तो यहाँ से भी कुछ चेक करेगा अभी, उधर वाला भी नया लगाया, ये रबड़ है ना ये भी नहीं लगवाई,